morning student. Today we will do exercise 3.4. Our first question is find the HCF using prime factorization method. बेटा HCF find out करने के दो method है, एक है prime factorization और एक है long division method. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो numbers given है उसके हमने prime factors बनाने हैं. तो आपने ये देखना है जो हमें नंबर दिया हुआ है वो 2 से स्टार्ट करना है. यदि वो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे. तो 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, ये होता है 3 से. 3 जा 9, उसके बाद फिर ये 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से. 3 बन जा 3. आपने ये ध्यान रखना है हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 1 ना आ जाए. नेक्स्ट 12 का देखेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 बन जा 3. यहाँ हमने लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 9, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, और उसके बाद हमने कॉमन लेना है. कॉमन का मतलब जो दोनों में हो. तो यहाँ ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर ये 3 इसमें है, इसमें है, तो हमने इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया और इस कॉमन को हमने एक बार लिखना है. और जो ये कॉमन है यदि 2 आते तो हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते. यहाँ हमारा 1 ही है तो यही हमारा HCF होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एंड 35. 14 के हम फैक्टर निकालेंगे, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे आएगा 7, अगेन 7 को 7 से करेंगे 1, 35 को 5 से डिवाइड किया 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 1. प्राइम फैक्टर हमने यहाँ लिख दिए, 14 का है 2 एंड 7, 35 का है 5 एंड 7, कॉमन फैक्टर आ गया 7, तो HCF हुआ 7. बेटा सारे सम आपको सेम इसी तरीके से करने हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF यूजिंग डिवीजन मेथड. बेटा इसमें आपको निकालना है 6 और 15 का HCF, किससे, कॉमन डिवीजन मेथड से. तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा स्मॉल नंबर है उसको आप डिवीजर बनाएंगे और बिगर नंबर को डिविडेंड बनाएंगे. आप इसे अंदर लिखेंगे, फिर आपने इसमें आपने सिर्फ एक ही स्टेप करना है, जैसे 6 टू जा 12. अब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया 3. अब आपने क्या करना है, ये 3 डिवीजर बन जाएगा और ये जो डिवीजर है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा. फिर हमने इसको किया 3 टू जा 6, जो हमारा इस साइड आता है बेटा वो हमारा आंसर होता है, वो होता है HCF. तो HCF इसमें हुआ हमारा 3. ये जो इस साइड आ रहा है ये हमारा आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 25 50. तो 25 को हमने 50 से डिवाइड किया तो 25 2 50. अब इसमें HCF हमारा 25 ही रहेगा, ठीक है, तो इसका HCF हुआ 25. नेक्स्ट 27 33 42. आपने अब यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर को आपस में हम इसका फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद जो लास्ट का आंसर आएगा उसको हमने नेक्स्ट जो नंबर है उससे डिवाइड करना है. तो 27 से हमने 33 को किया, 27 बन जाए 27, 13 में से 7 गए 6. अब हमने क्या करना है, इस 6 को से हमने 27 को डिवाइड करना है, तो 6 4 24, फिर 7 में से 4 गए 3, अब 2 में से 2 गए 0. अब हमने इस 6 को हमने अपना अंदर रखना है, तो 3 2 6, ये जो आया 3 इससे हम अपनी थर्ड डिजिट को डिवाइड करेंगे. 3 बन जा 3, ऊपर से उतारा 2, 3 4 12, तो हमारा HCF होगा बेटा 3. सेम इसी तरह हम बाकी सम करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित इज पैकिंग सम सीडीज टू सेंड टू हिज फ्रेंड. हरित ने कुछ सीडीज पैक करनी है अपने फ्रेंड को भेजने के लिए. ही हैज 9 क्लासिकल म्यूजिक सीडीज, उसके पास 9 क्लासिकल सीडीज हैं, 12 हॉलीवुड म्यूजिक सीडीज हैं और 15 जो है बॉलीवुड म्यूजिक सीडीज है. ही कैन पैक ओनली 1 टाइप ऑफ सीडीज इन अ बॉक्स. वो पैक करना चाहता है एक बॉक्स में एक ही टाइप की. तो एंड मस्ट पैक द सेम नंबर ऑफ सीडीज इन ईच बॉक्स, और सभी में समान नंबर के होने चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो. हाउ मैनी मैक्सिमम सीडीज कैन हरित पैक इन ईच बॉक्स. तो आपने कितनी वो एक बॉक्स में सीडीज पैक कर सकता है, हमें ये निकालना है. जब बेटा आपको मैक्सिमम नंबर दिया हो फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम HCF फाइंड आउट करेंगे. तो
वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 9, 12 एंड 15. तो हम पहले 9 और 12 को आपस में हमने डिवाइड किया, 9 वन जा 9, 3, फिर 3 से 9 को डिवाइड किया, हमारा आया 3. अब इस 3 से हम इस 15 को डिवाइड करेंगे, हमारा आ गया 5. HCF हमारा क्या हुआ? 3. तो 3 CDs हरित कैन पैक इन ईच बॉक्स, यानी हर बॉक्स में वो जो है 3 CDs पैक कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश दमाली बोट 3 वेराइटी ऑफ फ्लावर टू प्लांट इन द गार्डन. रमेश एक माली है जो कि 3 तरह के फ्लावर्स लाया है अपने गार्डन में प्लांट करने के लिए. ही हैज बॉट 20 सनफ्लावर, 60 मैरीगोल्ड एंड 80 रोजेस. उसने इतने इतने फ्लावर्स लिए हैं इस टाइप के. ही वांट्स टू प्लांट सेम नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो एंड ईच रो शुड हैव द सेम वैरायटी ऑफ फ्लावर्स. वो ये चाहता है कि वो एक ही तरह के फ्लावर एक ही रो में प्लांट करे. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स ही कैन प्लांट इन ईच रो. तो हमें यहाँ मैक्सिमम नंबर निकालना है कि वो एक रो में कितने प्लांट कर सकता है, कितने फ्लावर्स प्लांट कर सकते हैं. तो इसमें भी बेटा मैक्सिमम नंबर है, तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे 20, 60 और 80 का. तो पहले हमने 20 और 60 को डिवाइड किया, तो यहाँ हमारा 23 जा 60 आया. फिर इस 20 से हम इस 80 को डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ गया 24 जा 80. तो HCF हुआ हमारा बेटा 20. तो रमेश कैन प्लांट 20 फ्लावर्स इन ईच रो, यानी हर रो में रमेश जो है 20 फ्लावर्स प्लांट कर सकता है. Thank you. Have a nice day.